नमस्ते दोस्तों, ओरेकल टॉक्स के एपिसोड 69 में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे राजा के बारे में जिन्होंने अंग्रेजों को 120 दिनों में हार का मुंह दिखाया और आखिर में अंग्रेजों ने धोखे से उस राजा को बंदी बनाया। यह राजा है राजा नाहर सिंह। चाहे वह मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना साहब या अंतिम मुगल बहादुर शाह जफर था, 1857 के विद्रोह ने कई नायकों को देखा था, लेकिन इन नायकों के साथ जो विद्रोह को पटकथा देने के लिए श्रेय प्राप्त करते थे, वहां हजारों अन्य लोग गाये बिना अपने जीवन का त्याग करते। ऐसे ही एक नायक थे बल्लभगढ़ के राजा नाहर सिंह। फरीदाबाद ने ब्रिटिश सेनाओं के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं की रक्षा की और दिल्ली को 120 दिनों में मुक्त कर दिया। चांदनी चौक में आज के फवारे के पास अंग्रेजों द्वारा फांसी के बावजूद बहुत से लोग इस महान राजा के बलिदान के बारे में नहीं जानते, जिन्हें अंग्रेजों ने बल से पराजित नहीं किया था और उन्हें विश्वासघात से पकड़ना पड़ा था। भारतीय स्वतंत्रता के पहले युद्ध में 16 मई 1857 को जब दिल्ली मुक्त हो गई, नाहर सिंह की सेना दिल्ली की पश्चिमी सीमा पर संरक्षित थी। उन्होंने दिल्ली के बल्लभगढ़ तक सैन्य गार्ड पदों की स्थापना की थी। अंग्रेजी में दिल्ली की पूर्व सीमा बल्लभगढ़ दिल्ली का आर्यन का द्वार था। उनके पास उनका सामना करने का साहस नहीं था। पंजाब के तत्कालीन आयुक्त जॉन लॉरेंस ने तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को लिखा था कि पूर्व और दक्षिण बल्लभगढ़ के राजा नाहर सिंह की मजबूत ताकतों से संरक्षित है, यह संभावना नहीं है कि हम इस दीवार को तोड़ सकें। सैनिकों के जब तक हम चीन या इंग्लैंड से सुनिश्चितीकरण प्राप्त नहीं करते हैं। राजा नाहर सिंह का जन्म 6 अप्रैल 1821 को बल्लभगढ़ में जाट राजा राम सिंह और बसंत कौर के यहाँ हुआ था। राजा नाहर सिंह ने अपने अध्यापक पंडित कुलकर्णी और मौलवी रहमान खान के चरणों में अपनी शिक्षा प्राप्त की, जिसने उन्हें सही तरीके से धर्मनिरपेक्ष बना दिया। चूंकि उनके पिता की मृत्यु हो गई थी, उनके चाचा नवल सिंह ने 1839 में नाहर सिंह के राजनेता बनने तक राज्य मामलों को चलाने की जिम्मेदारी संभाली थी। इससे पहले नाहर सिंह ने मार्शल आर्ट सीखा और जल्द ही एक अच्छे घुड़सवार और बढ़िया शूटर बन गए। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि वह एक बार अकेले ही हाथी और शेर का शिकार करके आए थे। 1839 में राजा नाहर सिंह ने मुक्तेश्वर उत्तर प्रदेश में एक बैठक आयोजित की, जिसमें राव कृष्ण गोपाल, ग्वालियर के राजा तांत्र टोपे और अन्य महत्वपूर्ण लोगों ने भाग लिया। बहादुर शाह जफर के भरोसेमंद लेफ्टिनेंटों में से एक राजा नाहर सिंह ने और हिंदुओं और बादली की सराय की लड़ाई में दिल्ली पर लगातार ब्रिटिश हमलों को रद्द करने में अहम भूमिका निभाई। भारतीय बलों ने अंग्रेजों को हराया और अंग्रेजों से दिल्ली की मुक्ति बढ़ा दी, जबकि राजा नाहर सिंह ने दक्षिणी और पूर्वी किनारों से दिल्ली को अपरिवर्तनीय रखा। अंग्रेजों ने 14 सितंबर 1857 को पश्चिम से दिल्ली पर हमला किया और कश्मीर गेट से प्रवेश किया। लंबी घेराबंदी और युद्ध के बाद अंग्रेजों ने 21 सितंबर को कश्मीर गेट पर नियंत्रण लिया, जबकि सम्राट बहादुर शाह कश्मीरी गेट से दूर हुमायूं की कब्र से बच निकले। राजा नाहर सिंह सम्राट को बल्लभगढ़ में ले जाना चाहते थे, जो तब तक विद्रोहियों का गढ़ था, लेकिन सम्राट की बहू के पिता मिर्जा इलाही बख्श ने सम्राट को धोखा दिया। मिर्जा इलाही बख्श अंग्रेजों का एजेंट था और सम्राट को कब्र से बाहर नहीं जाने के लिए राजी किया। ब्रिटिश कथा से काफी अलग, जो कहता है कि नाहर सिंह ने हुमायूं के मकबरे को जब्त कर लिया था, लेकिन ब्रिटिश जनरल हेडसन ने बहादुर शाह के दोनों बेटों को मारने के बाद सम्राट को मारने की धमकी दी। घेराबंदी हटा दी गई। सम्राट गिरफ्तार होने के बाद नाहर सिंह बल्लभगढ़ में सेवा निवृत्त हुए थे। ब्रिटिश मंत्रियों ने सफेद झंडे के साथ बल्लभगढ़ गए और शांति वार्ता की मांग की, जिसके परिणाम स्वरूप मुगल सम्राट के साथ समझौता हुआ। राजा नाहर सिंह ने अंग्रेजों पर भरोसा किया और 500 घोड़ों और सैनिकों के साथ दिल्ली चले गए। जैसे ही उन्होंने दिल्ली में प्रवेश किया, उन पर अंग्रेजों ने हमला कर दिया और उन्हें बंदी बना ली। उनके अनुरक्षण सैनिकों को निर्दयपूर्वक कुचल दिया गया था। ब्रिटिश जनरल हेडोन, जो पिछले मुठभेड़ों से नाहर सिंह को जानते थे, उन्होंने अपने जीवन को त्यागने की पेशकश की यदि उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य से जो भी नुकसान पहुंचाया उनके लिए माफी मांगी, लेकिन एक सच्चे देशभक्त की तरह नाहर सिंह ने इनकार कर दिया। 9 जनवरी 1858 को चांदनी चौक में वर्तमान दिन के फव्वारे के पास उन्हें फांसी दी गई। तब वह केवल 35 वर्ष के थे। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें।